of your sister. I will claim what you have and true for me. I have killed. What's your next plan? What my next plan was, I tell you. पुलिस परेशान थी क्योंकि सामने बैठा शख्स कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस अधिकारी उससे जो भी सवाल करते उसके पास सिर्फ एक ही जवाब था, मुझे कुछ याद नहीं। इस अपराधी का नाम एडगीन था। ऐसे अपराधियों की मानसिक हालत समझना आसान नहीं। पुलिस जिससे पूछताछ कर रही थी उसका अपराध खतरनाक होने के साथ इंसान की कल्पना से परे था। एडगीन अकेला रहता था। उसके आसपास जितने भी लोग थे वो उसे एक बहुत ही सीधा साधा इंसान मानते थे, क्योंकि आज तक उसने अपने आसपास ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे वो अपराधी साबित हो सके। लेकिन जब उसका अपराध सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। 16 नवंबर 1957, प्लेनफील्ड, विस्कॉन्सिन। वार्डन हार्डवेयर स्टोर की मालिक बर्निस वार्डन लापता थी। बर्निस के बेटे ने अपनी मां के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो शक की सुई एडगीन नाम के एक शख्स की तरफ इशारा कर रही थी। नवंबर की शाम को एडगीन एंटी फ्रीज खरीदने दुकान पर आया था और गायब होने से पहले बर्निस वार्डन ने एंटी फ्रीज खरीदने की आखिरी रसीद पर साइन किए थे। तफ्तीश करने के लिए पुलिस ने गीन के घर का रुख किया। गीन शहर से बाहर खेतों में बने एक घर में अकेला रहता था। पुलिस जब एड के घर तलाश लेने पहुंचे तब एड के घर पे अंधेरा था। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि वर्षों से वहां कोई नहीं आया। तलाशी लेते लेते पुलिस जब एड के घर के शेड तक पहुंची उन्हें जो वहां मिला उसे देख पुलिस हैरान हुई। रस्सी से उल्टी लटकी हुई बिना सिर की एक लाश। पहली नजर में वो एक हिरण जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस उसके पास पहुंची तो वो समझ गई कि वो लाश किसी औरत की थी और वो औरत थी बर्निस वार्डन। बर्निस को .22 कैलिबर की पिस्तौल से गोली मारी गई थी और उसकी लाश को बुरी तरह से छिन्न भिन्न किया गया था। So her son came back from deer hunting himself and found that the place was a mess. There was blood all over the floor and they started to investigate what might have possibly happened to her. पुलिस जांच करने के लिए घर के अंदर दाखिल हुई। जांच अधिकारी एड के कमरे की तरफ बढ़े जो रसोई के साथ ही लगा हुआ था। एड के बिस्तर को देखकर जांच अधिकारियों को एक और झटका लगा, क्योंकि एड के बिस्तर के पोल पर इंसानी खोपड़ियां टंगी हुई थी। रसोई में इंसानी खोपड़ी से बने बर्तन शेल्फ पर रखे थे और इधर उधर हड्डियों के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। पुलिस को सारा मामला समझने में देर नहीं लगी। एडगीन के घर में मिली बर्निस की लाश का पूरा सच सामने आने में अभी वक्त लगने वाला था। पुलिस को एडगीन के घर में मानव शरीर के अंग मिले। मानव शरीर के अंग से एडगीन के घर की सजावट की गई। घर की हालत देखकर यह साफ था कि बर्निस अकेले एडगीन की शिकार नहीं थी। एडगीन के लिविंग रूम में
इंसानी शरीर से बनी कई चीजें मौजूद थीं। दीवार पर ह्यूमन फेस के मास्क थे जो उसने लड़कियों के चेहरे की त्वचा को छील कर बनाए थे। शरीर के दूसरे अंगों की त्वचा से लैंप शेड और सोफा सीट के कवर बने हुए थे। औरतों के नाखून जो एक डिब्बे में रखे हुए थे, चार इंसानी नाक और होठों से बने विंडो स्ट्रिंग, एक औरत के धड़ से बना कॉर्सेट, इन सब के अलावा एक बोरी में मिला बर्निस वार्डन का सिर। थोड़ी और तलाशी के बाद एक पेपर बैग में एक और मास्क मिला जिसे देखते ही पुलिस अधिकारी पहचान गए। ये मास्क मैरी होगन नामक एक औरत का था। मैरी होगन 1954 से गायब थी, लेकिन ये मास्क सबूत था। मैरी होगन प्लेन फील्ड में एक बार चलाती थी जहां कई पुलिस वालों का अक्सर आना जाना होता था। बेहद दबंग औरत मैरी के अचानक गायब होने की वजह किसी को पता नहीं थी। पेपर बैग में उसका फेस मास्क देखकर पुलिस वालों ने उसे तुरंत पहचान लिया। Mary Hogan was indeed a dirty talker. She spoke in profanity like a truck driver or a sailor or whatnot. I think when Ed Gein saw Mary Hogan, he saw some kind of grotesque, dark mirror image of his mother. इंसानी शरीर से बनी हुई घर की सजावटों की चीजों को देखने से ये बात साफ हो गई थी कि उन सब की हत्या की गई थी। एड गीन को पकड़ने के लिए इतने सबूत काफी थे। अब शिकंजा कस रहा था, उसका बचना मुश्किल था। पुलिस एड गीन की खोज में लग गई और जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस एड गीन को वटोमा काउंटी जेल हाउस में ले गई जहां उससे पूछताछ शुरू हुई। शुरुआती पूछताछ में एड गीन ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन एक दिन बाद ही उसने अपने जुर्म का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। एड गीन ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस दंग रह गई। अब तो ये बिल्कुल साफ था कि बर्निस वार्डन का कत्ल एड गीन ने ही किया था, लेकिन उसके घर पर मिली मानव खाल से पुलिस को पता चला कि वो एक इंसान की नहीं बल्कि कई और लोगों के शरीर के अंगों से बनाई गई थी। लंबी पूछताछ के बाद एड गीन ने एक और कत्ल करने की बात को कबूल किया। बाकी शरीर के हिस्से किसके हैं ये पूछे जाने पर एड गीन ने कहा कि उसने कब्रिस्तान से कई बार ताजा दफन लाशें चुराई हैं, लेकिन वो अपनी कबूल की गई बातों से बार बार मुकर रहा था। मगर एक और कत्ल जो उसने कबूल किया और सबूत भी जिसकी तस्दीक कर रहे थे, वो था मैरी होगन का कत्ल। 3 साल पहले गायब हुई मैरी होगन को एड गीन ने उसकी दुकान में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और फिर उसकी लाश को अपनी फोर्ड की डिक्की में डालकर वो वहां से भाग गया था। मैरी होगन के केस में पुलिस को गोली का खोल और खून के धब्बे तो जरूर मिले थे, लेकिन मैरी की लाश कभी भी नहीं मिली। बर्निस वार्डन के गायब होने से शुरू हुई तफ्तीश ने मैरी होगन के गायब होने का राज भी खोल दिया। 1940 और 1950 के दशक में विस्कॉन्सिन शहर से कई और लोग गायब हो रहे थे। एड गीन के पकड़े जाने से पुलिस को लगा कि कई और गुमशुदगी के मामले सुलझ जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं।
एड गीन एक ही बात पर अड़ा रहा कि उसने कोई और कत्ल नहीं किए हैं। एड गीन लगातार अपनी याददाश्त और मानसिक स्थिति का वास्ता देता रहा और हर मामले से किनारा करने लगा। मैरी होगन के कत्ल की बात मानते हुए भी उसका कहना था कि वो अपने होशो हवास में नहीं था और उससे गोली गलती से चल गई थी, मगर पुलिस को शक था कि कई और मामलों में भी एड गीन का ही हाथ था। Ed would find out when the service was going to be, where the burial was going to be, and as quickly as he could get there in the dark of night, he would go and open that grave and get that body. 1 मई 1947, Jefferson, Wisconsin. 8 साल की जॉर्जिया वेकलर स्कूल से घर आते वक्त लापता हो गई। उसे जिस जगह आखिरी बार देखा गया था वहां पर एक फोर्ड कार के टायर के निशानों के अलावा पुलिस को कोई और सुराग नहीं मिला था। ब्रेक के बाद देखिए कि एड गीन ने क्यों महिलाओं के शरीर से सजाना शुरू किया अपना घर।